हेलो दगड़ियों, कैसा तुम? स्वागत छो तुम्हारे मेयर यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मेरी लैंग्वेज को क्या हो गया। तो मैंने सोचा जब हम अपने गांव में आए हैं तो ब्लॉगिंग आज हमारी जो भाषा है पहाड़ी उसी में की जाए। तो अभी हम लोग होटल से निकल चुके हैं, अभी हम लोग आए हैं बागनाथ मंदिर पर। तो सोचा आप लोगों को भी मेरे साथ में दर्शन करा दूँ। तो चलिए चलते हैं अंदर और आप लोग भी दर्शन कीजिए वीडियो के थ्रू। अगर अंदर कैमरा अलाउ होगा तो मैं शूट करूँगी, नहीं होगा तो आप फिर आप बाहर से ही कर लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ये सरयू नदी है। वैसे तो हमारा प्लान था कि सुबह हम यहीं पे नहाएंगे, बट ठंड इतनी थी, रात को हम रजाई ओढ़ के सोए थे और सुबह हम लोगों ने गर्म पानी से नहाया था। तो अभी हम लोग ऐसे ही हाथ मुँह धो लेते हैं इसमें। तो ये रही जी सरयू नदी। अब मैं आपको बागनाथ मंदिर के दर्शन करवाती हूँ जो कि उत्तराखंड के बागेश्वर में है। ये भगवान शिव का मंदिर है और इसको अराउंड सन 1400 से 1600 के बीच में बनाया गया था। ये मंदिर की एंट्री है। इस मंदिर को चंद्र राजाओं ने बनाया था। हमने भी मंदिर में पूजा अर्चना और जल अभिषेक किया और आरती भी करी। ये मूर्तियाँ जो आप व्लॉग में देख रहे हैं ये उसी टाइम की बनी हुई है, जिसमें अभी भी कोई चेंज नहीं किया गया है। आप जितना इनको देखेंगे आपको और ज़्यादा इन्हें देखने का मन करेगा, आपको लगेगा कि आप सच में भगवान को देख रहे हैं। इतनी खूबसूरती के साथ यहाँ ये मूर्तियाँ बनाई गई है। जैसा कि आप ये भगवान शिव की मूर्ति देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भगवान शिव खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये श्री बागनाथ की मूर्ति है। तो हमारे दर्शन वगैरह सब हो गए हैं और अब हम गांव के लिए निकल रहे हैं। बाबा भी कितना टाइम लगेगा गांव के लिए? 11 बजे के ऊपर पहुंचेंगे। तो 12 बजे पहुंचेंगे। अभी टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है, एक मिनट, 8:30 हो, अभी 8:30 हो रहे हैं और हम 12 बजे तक गांव पहुंचेंगे। तो मिलती हूँ आपसे रास्ते में, कुछ भी ऐसा होता है तो। बारा फॉग देख सकते हैं कितना ज्यादा हो रहा है, ठंड बहुत हो रही है यहाँ पे। ठीक है दारी, वो लोग फिर करना है ना। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मेरे गांव जो कि है पटक्यूड़ा। यहाँ पे आके बहुत गंदा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि हमारा जो घर है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। तो उसे देख के बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि इतने साल हम उस घर में रहे हैं, उसकी ऐसी हालत देख के बहुत बुरा लग रहा है। सारी यादें वापस से ताज़ा हो गई है। तो अभी तो हम लोग पूजा के लिए जा रहे हैं, आगे आपको दिखाती हूँ कौन सा घर था हमारा। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो अभी हम आए हैं हमारे ग्राम मंदिर में जो कि है फेणीनाथ जी का। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। और आप यहाँ पे आवाज सुन सकते हैं चिड़ियाओं की, कितनी मधुर आवाज कानों में लग रही है।
जयपुर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी शांति, इतनी हरियाली, इतना ठंडी हवा, बहुत मिस करते हैं हम सभी लोग, मैं पापा तो बहुत ज़्यादा। तो हमारे जो ग्राम देवता है उनकी पूजा हो गई, अब हम दूसरे मंदिर जा रहे हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ पापा तो कहाँ पहुँच गए और हम कहाँ पे हैं। पापा इतनी आगे पहुँच गए कि हमें दिख ही नहीं रहे और मैं तो सबसे पीछे हूँ। एक गेंडा ये है जिससे चला नहीं जा रहा, मम्मी वो है, और पापा तो इनसे भी आगे है। गाँव के रास्ते अभी भी वैसे ही हैं, इससे तो बिल्कुल ही नहीं चला जा रहा है। एक व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, आप गांव की खूबसूरती देख सकते हैं। चारों तरफ हरियाली, पहाड़, ठंडी हवा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। आप चाहे उत्तराखंड से हो या नहीं, पर लाइफ में एक बार आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। चलते चलते हालत खराब हो गई है, मम्मी की तो बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं रास्ता दिखाती हूँ आपको। इतना खतरनाक रास्ता है ये। टाई टाई तो फाइनली अब हम पहुंच गए मंदिर में, इस वाले में। ये है मंदिर, मम्मी अभी भी नीचे ही है। हम पहुंच गए हैं, अब देखो हम हवा बहुत ही अच्छी चल रही है, आप देख सकते हैं। गाइस व्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ, जल्दी मिलूंगी आपसे सेकंड पार्ट के साथ, जिसमें आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसा कि ये भी हमारी फैमिली मेंबर्स हैं। इनका इंट्रोडक्शन मैं कमिंग व्लॉग में दूंगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।